इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। नगर पालिका निगम के द्वारा मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सफाई मित्रों, अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए कलेक्ट्रेट के सामने स्थित ग्राउंड में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि इस कार्यक्रम में शहर के प्रथम नागरिक यानी कि महापौर के लिए मंच पर कोई स्थान ही नहीं था। उनकी जगह मंच में सिर्फ भाजपा नेता और अधिकारियों को ही स्थान दिया गया था, जिसके चलते कांग्रेस पार्षदों ने इस बात का कड़ा विरोध करते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। महापौर विक्रम आहके का कहना था कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक और सांसद की तस्वीर भी फ्लैक्स में नहीं लगाई गई थी, जबकि महापौर, नगर निगम अध्यक्ष सहित कांग्रेस सभापति और पार्षदों का भी कार्यक्रम में अपमान हुआ। इस कारण उनके द्वारा कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया। भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले जो छिंदवाड़ा का प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है, आज नगर निगम के कर्मचारियों का सम्मान होना है, जबकि नगर निगम कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की है, कांग्रेस पार्टी की है। इस पर ना कमलनाथ जी की फ़ोटो लगाई गई, ना नकुलनाथ जी की फ़ोटो लगाई गई। यहाँ तक कि हमारे जीते हुए जनप्रतिनिधि, चाहे मैं स्वयं महापौर हूँ, नगर निगम अध्यक्ष सोनू माघो जी हो, सहित जितने सभापति हैं, इनको मान सम्मान में कमी की गई है और दरकिनार किया गया है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और प्रशासन जो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रहा है, उसको हम निंदा करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वाणिज्य कर, केंद्रीय विक्रय कर तथा प्रवेश कर के रूप में जिला स्तर पर सर्वाधिक राजस्व जमा करने वाले 3 व्यवसायियों को भामाशाह सम्मान प्रदान किया जाने की योजना है। इसी योजना के अंतर्गत भोपाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान छिंदवाड़ा जिले की अक्षित ऑटो एजेंसी को भामाशाह अवार्ड 2021-2022 से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के हाथों अक्षित ऑटो एजेंसी को यह पुरस्कार दिया गया। आजाद स्कूल स्थित अतिथि शिक्षक संघ के द्वारा आज भाजपा कार्यालय के सामने धरना देते हुए सड़क पर जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल अतिथि शिक्षक संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष को ज्ञापन देने उनके कार्यालय पहुंचा था, लेकिन भाजपा जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के चलते अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त थे, जिसके चलते आजाद स्कूल स्थित शिक्षक संघ के द्वारा उनका भाजपा कार्यालय में इंतजार किया गया। लेकिन जब भाजपा जिलाध्यक्ष आने में लेट हो गए तो अतिथि शिक्षक घंटों इंतजार के बाद सड़क पर धरने पर बैठ गए। बाद में भाजपा जिला अध्यक्ष के आने के बाद अतिथि शिक्षकों का धरना समाप्त हुआ और उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के नाम भाजपा जिला अध्यक्ष को ज्ञापन दिया। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े, डीपीसी जेके इड़पाचे सहित शिक्षा महकमे के सभी अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने स्कूलों की सतत मीटिंग करने के लिए निर्देश शिक्षा विभाग को दिए, जिसके बाद अब स्कूलों में लेट आने वाले शिक्षकों पर विभाग द्वारा तत्काल कार्यवाही की जाएगी। जिले के सभी 250 सरकारी स्कूलों में 10:30 बजे रोजाना डीईओ, बीआरसी और जन शिक्षक शिक्षक निरीक्षण करेंगे, जहां स्कूलों में लेट आने वाले शिक्षकों पर तत्काल कार्यवाही होगी। जिले के पुलिस कप्तान विवेक अग्रवाल के हैदराबाद परीक्षण पर जाने के बाद अब छिंदवाड़ा जिले का चार्ज जबलपुर के रेल एसपी विनायक वर्मा को दिया गया है। गुरुवार को प्रभारी एसपी विनायक वर्मा ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। बता दें कि विनायक वर्मा वर्ष 2013 बैच के आईपीएस हैं। हमारी प्राथमिकता यह रहेगी, सबसे पहले क्योंकि छिंदवाड़ा बड़ा जिला है तो ज्यादा से ज्यादा इसका एरिया कवर करना मेरा प्रयास रहेगा कि हमारे 24 थाने जो हैं प्रत्येक का मैं भ्रमण कर सकूं अगले 3 हफ्तों के दौरान। साथ ही जो भी संवेदनशील स्थान है या जो बड़े क्राइम हैं उन पे हमारा डायरेक्ट फोकस रहेगा। नवंबर दिसंबर के समय पुलिस के लिए अक्सर केसों के निकाल और गिरफ्तारी पे फोकस का होता है, तो उस प्रयास को मैं जारी रखना चाहूँगा।
होबे मार्केट स्थित दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में दिव्यांग एकता मंच के तत्वाधान में मध्य प्रदेश स्थापना सप्ताह के अंतर्गत स्वच्छता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके बाद विकलांगों के लिए विविध प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। इसमें रंगोली, पेंटिंग, मेहंदी, वाद विवाद प्रतियोगिता, गीत गायन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर विजेता प्रतिभागियों को मंच द्वारा सम्मानित किया गया। नया फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लाए हैं आकर्षक फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की विशाल रेंज। इस गणेश उत्सव सोफा सेट की खरीदी पर 30% की विशेष छूट। डीडीसी कॉलेज के सामने नागपुर रोड एवं आदर्श नगर कृष्णा टावर के पास परासिया रोड। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री अकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में, उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री अकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रेवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। बड़कुही चौक के सामने गुरुवार को एक तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें ऑटो में सवार 8 लोग घायल हो गए। इनमें से 5 लोगों को गंभीर रूप से चोट आने पर जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। उत्कृष्ट विद्यालय में जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन की कार्यशाला का शुभारंभ जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े के द्वारा किया गया। इस कार्यालय में अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा, मोहखेड़ विकासखंड की संस्थाओं के 103 शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के दौरान होमगार्ड छिंदवाड़ा की टीम द्वारा CPR एवं रेस्क्यू का प्रदर्शन किया गया, तथा प्रशिक्षण के द्वितीय चरण में नगर पालिका निगम अग्निशामक टीम द्वारा आग बुझाने का प्रबंधन कैसे किया जाता है, इसकी ट्रेनिंग दी गई। विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों को आपदा प्रबंधन के बारे में सजग करने के लिए कार्यशाला यहाँ पे आहूत की गई है। यहाँ पे सभी शिक्षकों को ये इस बात में ट्रेन किया जाता है कि विभिन्न आपदाएं, जो प्राकृतिक आपदाएं या मानव जनित आपदाएं हैं, इनके आने पर किस प्रकार से हम स्कूल के बच्चों को सुरक्षित रख पाएंगे, उसके बारे में पूरी ब्रीफिंग की जाती है। इसमें हमारे होमगार्ड के और फायर के जितने भी लोग हैं, वो भी हमें सहयोग करते हैं। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर नगर पालिका निगम के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत स्वच्छ छिंदवाड़ा, स्वस्थ छिंदवाड़ा को लेकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में साफ सफाई की गई। इस अवसर पर महापौर विक्रम आहके, निगम अध्यक्ष सोनू मागो, निगम नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे, कमिश्नर राहुल सिंह मौजूद थे। आगामी 6 नवंबर से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े में विश्व हिंदू परिषद जिले के पास सोगाव तक पहुंचकर 20,000 से अधिक हिंदुओं को जोड़ेगा। गुरुवार को आयोजित जिला बैठक में विहिप जिले मंत्री नुकुल विश्वकर्मा ने बताया कि 2024 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के 60 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के इस देशव्यापी हितचिंतक अभियान को सर्वस्पर्शी बनाने के लिए 6 नवंबर से 20 नवंबर तक हम समाज के हर जाति, मत, पंथ, संप्रदाय से संपर्क कर उन्हें हिंदू समाज व राष्ट्र हित के कार्यों से जोड़ेंगे। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हितचिंतक अभियान को लेकर यह बैठक आयोजित की गई। हमारे जिले को 20,000 नए सदस्य विश्व हिंदू परिषद में जोड़ने का लक्ष्य मिला है, जिस ओर विश्व हिंदू परिषद जिला छिंदवाड़ा के समस्त सदस्य दिलो जान से काम करेंगे, विश्व हिंदू परिषद में नए सदस्य जोड़ेंगे। मुख्यतः यह अभियान 6 नवंबर से 25 नवंबर तक आयोजित होगा। 15 दिनों का यह अभियान है और इसी के विषय को लेकर आज यह जिला बैठक आयोजित की गई है।